वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। आप सबको चांद रात मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक भी। वैसे ऑफिशियली ईद तो कल है, लेकिन बाजारों में अभी से ईद का समय है और नोट तो ऐसे बट रहे हैं जैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो। वो अंगूठे जो फेसबुक पोस्टें आगे पीछे करते थकते नहीं थे, कल नोट गिन गिन कर निढाल होने वाले हैं। और नौजवान दर्जन भर दोस्तों के साथ सारी रात एक कुर्ता खरीदने के लिए बाजारों में सर्च ऑपरेशन करेंगे और ईद का दिन सोकर गुजारेंगे। लड़कियां दोस्तों के झुरमट में सारी रात हाथों पे मेहंदियां लगाएंगी और दिन भर बर्तन मांजेंगी। खैर, इन सभी कामों में भी फेस्टिविटी है, तो चलकर देखते हैं कि चांद रात में कैसी गहमा गहमी है। लेट्स सी। ओ, मैं बेबी को इतना अच्छा फेशियल करूंगा ना, बेबी सब लोग फैन हो जाएंगे। जिन्होंने तू फेशियल कर रही है इन्होंने सूरे फांसी है। अगर तू ये चाहना कि ईद वाले दिन खूबसूरत लगन, जी जी, बेहतर इन्होंने धौन ला दे। टोनी जी, जब मैं बाहर निकलना ना, लोग कहन भी चैन तैयार होके बाहर आ। जब आप बाहर निकलेंगे ना, इंशाल्लाह तेनू रक्षा बजेगा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आपको पता नहीं है टोनी के हाथों का जादू है। अगर हुसन सलोन्स पे बिकता होता तो सभी हसीन होते। अच्छा, अपना टोनी तू फेशियल करने कितने पैसे लेता है? फेशियल के, क्योंकि आज तो चांद रात है ना, तो 2500। इंशाल्लाह तेरी 15,000 दी क्रीम लग जानी ये देते। और अगर मुंह बड़ा हो तो फिर कितने पैसे लेते हैं? ओ माशाल्लाह, चांद रात नू कैसे फिक्के कपड़े पा के बैठी है, है ना? वैसे वीना जी, ए सूट तो ना सूट करेगा, इससे ज्यादा सूट करेगा। हर चीज टेबल ना क्यों मैच कर दे हो? ये टेबल से कैसे मैच कर रहा है? देखो विच कलर विच है ने, ए देखो, ए तुसी अगर पाया होवे, ए देखो। आप अपनी मैनिकेन तो ठीक कर ले। मेरी गल सुनो, पता की गल है, ये सारा कारोबार समझ आएगा। एक मिनट, ਕਿਹੜੇ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਡੇ? ਹੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ। ਦੇਖ ਟੋਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੂਟ? ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20,000 ਦਾ। 20,000 ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 20,000 ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਜਾਏ, ਯਹੀ ਸੂਟ ਆਪਕੋ 35,000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟੇ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਟ ਹੈਗਾ, अगर तुम पा के बाजार निकलोगे ना, लोकी कहेंगे यार सुभान अल्लाह क्या कपड़े पाए ने। राहुल इधर आओ। ओए राहुल मेरी जान, इसके ऊपर मैं चेकिंग करता हूँ सारे सूट। असल में ये पार्लर टोनी और राहुल का है। ये मैं तो समझ रही थी कि चांद रात पे बहुत रश होगा, लोग आंदे ने जानते ने, कोई टेंशन वाली गल ही नहीं। वैसे जितने ओल्ड फैशन कपड़े आपने रखे हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता आपकी दुकानदारी चलेगी। ये ओल्ड फैशन है? हाँ जी। कहाँ फिरती हो तुम? लेकिन ये देखो तो सही, ये डिजाइन आज से 200 साल पुराने लग रहे हैं। एक मिनट ठहर जा, इन कुड़ी नु ना असल सूट दिखाना ही पड़ना है। अब रोने ना लगना कि मैंने क्यों नहीं खरीदा। ये देखो, ये तुसी आप पा के दिखाओ। एक मिनट, तेरा फेशियल हो रहा है, इस सुबह तेरी चित्रकला होनी है। मेहंदी वाले कौन से डिजाइन फेमस है, ठप्पे वाले या कोन वाले? ओए ठप्पे गरीब लोग लवांदे ने, ए देखो महंगे लोगों ने आना। इस तो पहले मैं करता सी कोन आइसक्रीम का काम। अच्छा, वो हाथ चिप चिप होंगे, मक्खियां बहिंदियां सी। फिर मैं मुरशद को गया, उन्हें कहा कौड़ा काम कर, मैं हूँ कौन मेहंदी का शुरू किया है। जाके ने मुरशद ने कहा, मुरशद इस काम में फायदा कोई नहीं होया, कोई दुआ दे कोई चंगा काम चल जाए। तो मुरशद ने कहा, फायदा तो मैंने भी इस काम में कोई नहीं होया। उन्हें फिर अगू दस है कि यह काम शुरू कर। लो जानू हो गया, ये फेशियल के बाद का रिजल्ट है। जी देखो वीना जी, जिन्ना मर्जी फेशियल करा लवे, इन्हू मर के रूप चढ़ना। बस कर दे, जाओ तुम्हारी मांग मैंने भर दी है। राहुल शीशा दें यार, अश्वर बेबी को शीशा दिखाओ। माय गॉड, ये ठीक नहीं होया। ठीक हुआ ना? उसी अपना दसो, ये तो एक बेशर्म आदमी है। मेरे ससुराल ने दूजे दिन मैंने ईद देने आना, मेरा नाक ना बढ़ा दी यार। नो प्रॉब्लम अश्वर, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। तेरा सलून बहुत चलता है, इतने जो भी बंदा आंदा है खुश होकर जाता है। ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੇਗਾ? ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਪਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੋ ਨਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਆਪ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਭੀ ਖੈਰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਆਹਾ, ਕੀ ਆਪ आज आपका मैं ऐसा स्क्रब करूंगा ना, अगर टोनी चंद रिजल्ट जल्दी बाहर आए तो फिर क्या डालें इसमें? एक चम्मच सफूरे के सजदा पा। ये चूड़ियों का स्टॉल वाला किधर है? ओए हो, अभी बुलाता हूँ। दोनों स्टॉल मेरे हैं।
वैसे मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा तू को मंगन वाली थे ना यार, दो मिनट बाद मेरा आपसे एक सवाल है। की सवाल है जनाब? आपको ज्यादा बचत चूड़ियों से होती है या फिर कपड़ों से? ज्यादा जड़ी बचत है वो तो चूड़ियां चोंदी। चूड़ियों में? हां, क्योंकि चूड़ियां ज्यादा कुड़ियां शौक न चढ़ांदियां ने। ज्यादा मार भी तो इस बिजनेस में पड़ती है ना। पिछली तो ये ना बहुत बुरी हुई है। क्या हुआ था? तीन बारी चूड़ियां खातून चढ़ा गई, उन्हें इंज करके नकाब कीता सी। चौथी बारी आया तो उन्हें पता चले खुसरा सी। कुछ बेहतर हो गया है? अठ घंटे हो गए तो कुछ बेहतर होया है। हाँ। Imagine. लेकिन मेरे पैरों का जेड़ा ना मेडिकेयर कर दियो। बात पता क्या है एसपू, मैं आपका पेडिक्योर जरूर करता लेकिन आज अपने हेलमेट घर भूल आया हूँ। आपके पैरों को हाथ लगाओ तो चिंगारी निकलते हैं। पूरा साल पैरों का ध्यान नहीं रखा, आज क्या लाया? किडी करेगी तो पैरों में देखा। राहुल मैनिक्योर करो इनका। अच्छा, इनका आपने पूरा तारफ नहीं करा, कोई नाम क्या कौन इनका है? नाम असफर है, असफर। तो असफर क्या काम करते हैं आप जो पार्लर में विराजमान है? मेरी ढक्कन बनाने की फैक्ट्री है। हाँ जी, गटरों का ढक्कन बनाता है। और इसका अपना आमला है कोई 250-300 नशाई जो रात को चुरा भी लेता है। वैसे कमाल है कि चांद रात को भी आप लोगों की दुकानें सुनसान। असल में हमारे बाजार को नजर लगी हुई है। किसकी नजर लग गई है? सबको पता है किसकी। डार्लिंग जल्दी आइए। चलो जी, चलो बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। और सलाम बुजुर्गो, कल अपने पापा दे नाल आए हो? हेलो, तमीज से बात करें, ये मेरे हस्बैंड है। ए हुण को मार्केट से बिजली डिगी करिए गल सुन तो बाद। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह चाचा जी, इस उम्र दे विच यार दियो चाचा थकना जाए कोई कुर्सी दियो। मेरे आन तो पहले को मार्केट च झगड़ा होया, मोटरसाइकिल नु अग लगा के कुर्सी ते रखया तू। मार्केट लुट ले। आपने आने की क्यों तकलीफ कर दी? बेगम को भेज दे। बेगम की ख्वाहिश भी डाल खामत कंधे ना कंधा मिला के ना चले तो कदी चांद रात हुई। बड़े एंबिशियस है सुमर जी। भाजी मार्केट वाले ने चोर फड़े। नहीं नहीं, ये अपना फेशियल करवा के हटे हैं भी। भाजी अपना मिटा लो, ब्यूटी सलोन मिटा के उत्ते वर्कशॉप लिख लो। ए सूट जो है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਯਾਰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਬਈ ਭਾਈ ਰਿਆਜ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਨਿਆਣਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਰਿਆਜ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਚਾਨਕ, ਹੁਣ ਸਿਲੇ ਸਿਲਾਈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਦਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਜੀ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂਦ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਈਦ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਟਰੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਈਦ ਵਾਲਾ। ਸਰੂ ਮਰੂ ਤਾਂ ਫੜੂ ਦੇ ਤੇ ਕੋ ਹੈ, ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੈ ਆਪ। ਨਹੀਂ, ਯੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਹਾਵਤ ਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ 80,000 ਰੁਪਈਆ। ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ 50,000 ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਹੈ 50 ਦੇ ਹੈ। ਓਹੋ ਰਾਜੂ, ਐਸੇ ਮਤ ਕਹੇ ਨਾ। अच्छा मान जाए ना, मुझे बहुत पसंद है ये कपड़े। महाबत बहुत कर दी यार। नहीं नहीं, इन्होंने लेना ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं नहीं, इधर ला ना दियो, इधर कपड़े च कपड़े ना रला दियो भाईयो। मेरे ओ डर ला दी, महाबत बहुत कर दी है। मेरे बगैर रहंदी नहीं, तुरदी नहीं। ले लो ले लो, ओ 70 कर ला, 70 कर। बड़ा दिल ही नहीं कर रहे उन्होंने लेके दे। 80 ले ला हुण यार, और की लेना? ओके राजू जान। हाँ। तो सारी चूड़ियां मेरे लिए नहीं है, अम्मी के लिए, बहन के लिए। अम्मी तेरी बेवा औरत है, और बेवा है सोमर चूड़ियां पा के फिर किड्डा माड़ा लगूगा। उन्हां दा गाना गुणा होना ले लेने दे। लख लान तेरे मैं मसरन नजीर दे घर वे। ओ चुप।
बोलना है क्या? पहले सिर्फ हाथ रखना है। चुप। क्यों? हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं गिलगित्ता हूँ। हाँ जी, ग्राही थे? नहीं, वो साड़ियाँ दुकान गिलगित शिफ्ट हो गई है। बड़ी दा फोन है, बट ये तो बड़ी दा। हाँ जी, पर नहीं मैनू दिन लग रहे हैं, ग्राही लैन आया इतने, बर्फबारी पैंडी तोदा गिर गया, तो मैं लगता ईद मैं इतने ही करूंगा। ठंड ना बंदे इतने मरन डे तुम वीडियो कॉल कर लो ना। अभी वीडियो कॉल से ओ तेरा बेड़ा तर जो कौन है तू? वैसे 1,20,000 दे है ने जिहड़े 80 ऐ तुसी लै बैठे हो, सिर्फ भाभी दी खातर मैं कह रहा हां। ओ 2 मिनट जबान दंदा थले नहीं रख सकदा। हां जी, ओ नहीं ओ सिग्नल कटन डे आ गलगित जी होया। भाभी वीडियो कॉल ते आओ। ओ तू इथे केड़ी लाश दिखानी हो भाभी नु? ऐ दिखानी चसो मेहंदी ते लवाओ ना। आ ओ कहंदा मेहंदी लो। ओ गलगित आ के मेनू माड़ी जी गर्मी हो गई ना। ओ मैंने कहा सिर ते ला दे माड़ी जी। अब मैं करदा मैं परेशान ना हुआ करे कॉल आने पे। मेरे ख्याल तुसी डरदे हो भाभी। नहीं डरदा डुरदा मैं। बड़ी भाभी मेरे ख्याल तुहानू फेंट दी है। ओ नहीं दस भी एक अद्धी वारी उहने रोटी वाला वेलना मार दित्ता ते मतलब मैं रोज खाना। हैप्पी कपल्स ही आ रहे हैं। किना भी आ रहा है, अपने पापा नाल ही आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? अमरीन माय वाइफ। खुबैब शेराजी। मंगना है? नो नो, हम शॉपिंग के लिए हैं। अमरीन, ये बाजार पड़ा है, जो लेना चाहती हो लो। सच अ मिसमैच। जिसे आपका दिल मिल गया उसे और क्या चाहिए। वो चवल रोया ही बहुत बुरा होना, उन्हें इधर विह करा लिया। जिसे दिल मिले ऐसी भाई होना विग नहीं तेने मिली। हर कलर की चूड़ियां पड़ी हैं, जो लेना चाहती हो लोग। देखो देखो, ओए तेरे प्यो दे नहीं रख उठे, रख रख चवल जान दी ना। भाई हम पैसे देंगे, हम खरीदारी करेंगे। आप क्यों चुकन दे? मैं अपनी वाइफ को पसंद करवा रहा हूँ। बिरे ओ चूड़ियां वाला है नहीं, ओ माड़ा जे जलजला आया उहदा घर डिग पिया। हाँ जी। ओ बुजुर्गो, आप हमारी बात पे क्यों ओवरलैप कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आप मेरे राजू को बुजुर्ग मत कहें। लो जी, दो बुजुर्गों का हुन मैच पैण लगा है। बिरे तू मैनू बुजुर्ग कही जाना, ये गाना थोड़े नहीं बनया? उमरां लगियां सिरां पार। भाई साहब, मैनू यकीन दवा दिओ कि मैं दुकानदार ही है ना। बस ये पसंद है एक, और ये भी, ये भी, और ये भी। यार वेले ही खड़े हैं तुसी, इतनी देर दे दिया लत्तां चूहा छड्या हुंदा ना, हुण तक लत्तां साफ हो गई होंगी। अच्छा मैं क्या भाजी, वाकई चांद रात है ना अज? कुछ भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा बताइए इनके कितने पैसे हुए? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਬਣਾਏ ਬਣਾਏ ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ 35,000 ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗਾ। ਆ ਚਲੋ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ। ਅਮਰੀਨ ਕਰ ਲੋ ਪਸੰਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ 35,000 ਬਣਾਏ ਬਿੱਲ। ਸ਼ਰਾਜੀ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਭ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਏਗਾ। खुबानियों का खुबानी का बिजनेस है हमारा, बागात है हमारे खुबानी के। खुबानी तेरे मुंह नाल जा नहीं रही, मैं तो ना बताऊंगा ना, हो सकता है। और मेरे जो कि पेट्रोल महंगा होंगे ना, यह जे बंदे दे टीवी ते बहुत क्लोज आते होंगे। क्यों? है मार की महंगाई, बार की महंगाई। भाभी मैं 10,000 छड़ देंगा, इहदा नाम चेंज कर दिओ, क्योंकि मुंह के सामने इहदा नाम खुदू रखो, ठीक है, काका रखो, शीफा रखो। भाई क्या बात कर रहे हो? भाभी मैं 20,000 होर छड़ देंगा, इहदे को तलाक ले लो। जो चाहिए ले लो। किस तरह चुड़िया चाहिए ने? मैं को क्रिमची रंग जावां गारे। देख क्रिमची रंग नहीं ना, हुण कोई होर किहड़े गिनसे है। कैसा बाजार है, अल्लाह दी रहम नाल तीन जोड़े आए ने, एक दूसरे रलदे ही नहीं। अम्मा ही तुसी चाचे कोल चले जाओ। वही अम्मा कह कुआ कि तेको भा लगे कीड़े पवनी शाला। मैं यही आके तेनू भा लगे, तू नाल की निका या काका लई फिरदी है? तू इधर आ जा, तू काके आ ला जा अपना, तू फौत हो जा। एक मिनट जी, मैं माफी। हेलो, हेडक्वार्टर से फोन। ता ऐसी ग्राई करनो, वो फौत हो गया दुकानदार, मैं उसे जनाजे नाल। मुझे ये वाला मेहंदी का डिजाइन नहीं लगवाना। अरे एक मिनट ठहर, जो ला लड़ा मैं इतने मेरी मेहंदी पुठी पैनी है। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਛੋਟੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੋੜ ਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਰਦੇ।
ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੂਕ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਬੀ ਇਹ ਵੇਖੋ फिरोजी देखो अच्छा पता की भाजन तुसी कहने फिरोजी देखो तुहाडे मुंह च ना सारा माया निकलन डया कौन साई हां मग वलने वाली सुथण घना रे ते दिल में सितारे वाला फोछण नी ਬੋਛਨ ਜਿਆ ਬੋਛਨ ਡੋਰੀਏ ਦਾ ਪਤਨਾ ਤੇ ਲੋੜਾਇਆ ਬੋਛਨ ਡੋਰੀਏ ਦਾ ਪਤਨਾ ਤੇ ਲੋੜਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰੋਂਦੇ ਡੋਲ ਕੁਛੋੜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਹਨਤ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ एक मिनट जरा पहले मेरी वाइफ को मेरी पहले मेरी शमो के पीले होंगे पहले मेरे फोटो तो सही खुबे भाई आपने जल्दी आ जाना था हम पहले आए हैं ओहो रुक जाए लड़ाई क्यों कर रहे हैं रुक जाए देखिए हम पहले आए हैं पहले मेरी वाइफ को पहले शादी था ये नवी नवी कुंवर आम आए देखिए वो पहले आए हैं पहले वो लगवाएंगे आप क्यों में लगे भी तो कोई इज्जत होती नवी नवी शादी करके आई खड़िया शादी नहीं है पुरानी हमें क्या इससे बात था हेलो भाभी पहले मैं हां तू वड्डी औरत है तू बाच लो हाले भाई ने फैसला कर दिया कोई फैसला नहीं ये लड़ाई झगड़ा बंद करे आप लोग नुकसान कर रहे हैं मेरी गल तो फॉलो करो कोई एथिक्स कोई राजू बेबी राजू बेबी वेख भैणा ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਜੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਹੈਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤੀਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਟ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਵਰੀਵਨ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਅ ਬਿਟ वेलकम बैक टू मस्तियां और देखते हैं कि अब हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी खबर है कि विजिट वीजे पर दुबई जाकर भीख मांगने वाला खानदान पकड़ा गया चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए इन्हें विजिट वीजा के तो लगता है सीटी मारने लगे आपको पता है शजर आपके जैसी ना हमारे घर में पानी वाली टंकी है उसमें तो 500 गैलन ग्रीस पिया करो फंबलिंग घट हो मैं कह रहा था कि कुछ मसरूफियात थी और तबीयत भी ना साथ थी और इधर हाथ पड़ ले जाए टके तो नहीं गए मैं कह रहा था कि कुछ मसरूफियत थी तुम तो बहुत आए अच्छा आई एम सॉरी देखिए खान साहब आप आए हैं इतने दिनों के बाद अच्छा लग रहा है लेकिन ये जो कुछ खबर कहाँ की कहाँ रह गई हम कहाँ के कहाँ निकल गए एयरवेयर का पायलट ना कुछ नहीं होता ये पायलट सवारियों नु कह रहे होता है कि हम कराची पहुंच चुके हैं दुआ करो जहाज के टायर खुल जाए आपको शायद पता नहीं है शजर तो मेरे साथ बैठा ना लगता है कि 6.7 रिक्टर स्केल पे हिल रहा है ये खबर कहाँ की है बेसिकली हां जी जाना है उसे
जी मुत्तहिदा अरब अमारात की खबर है ये। विजिट वीजा के रूल्स उन्होंने अभी कुछ नरम किए हैं, तो मेरा ख्याल है उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। ये वैसे इस दफा ही नहीं है कि इन्होंने वीजे में नरमी की है, हमेशा ही ऐसा हुआ जब रमजान आता है ना तो ये जहाज के जहाज भर के जाते हैं। देखिये वीजा के वहाँ के सेट रूल्स हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं बिजनेस वीजा पे, विजिट वीजा के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ बिजनेस वीजा। और जो भी आपकी जॉब होती है ना उसका सर्टन आपका एक वीजा लगता है, उसमें मेंशन होता है कि आप ये जॉब सिर्फ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और जॉब भी नहीं कर सकते। डन फीस एंकर हैं यहो जे, एंकर फौतगी ते जाके कह रहे होंदे जिप तो मेरी तरफ करो। इसमें ये भी होता है कि अगर कोई विजिट पे जाता है ना, जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे उनको 5 रुपए मिलने होते हैं ना वो 2 रुपए में भी कर लेते हैं। पिछले दिनों तकरीबन 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है यूएई से, क्योंकि वीजा उनके पास विजिट था और वो वहाँ पर जाकर काम कर रहे थे। तो ये जो फैमिली जिनकी खबर बनी है ये भी विजिट वीजा पे काम क्या कर रही थी, भीख मांग रही थी वहां पर, मस्जिद के करीब भीख मांग रहे थे बच्चों समेत, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया वहां पे। इट्स सच एन एंबैरेसमेंट है, वहां पे तो बड़े भारी भारी जुर्माने हैं इस बार। ये भीख मांगना गदागरी यूएई में तो ये जुर्म है, बाकायदा सजा होती है। वैसे गदागरी एक्ट तो हमारे यहाँ भी है लेकिन अमल दरामद आज तक कभी नहीं हुई। एक्सक्यूज मी मैम, तुहानू और तुहाडे ना फनकारा नू इस गल का एहसास जी के वक्त कितना कीमती हुंदा है, भिखारियों के लिए तो बहुत कीमती होता है। मैं अपनी बेटी किथे कवां, इन्नी देर च असी तकरीबन कोई 3000 धर्म मंग लेना सी, ओहो बट शो च आके साडा सारा काम जिहड़ा धर्म भरम हो गया। एक्सक्यूज मी, आप भिखारी हैं? ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤ ਬੀਬੀ। ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਮੰਮੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਵੋ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨ ਕਿਆ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੋ ਸਮੈਤ ਮੰਗਤੇ ਆ ਆ? ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਬ ਭੀਖ ਮੰਗਤੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਪ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਆ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ? ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੁਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਦਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਦੁਬਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ। ਵਾਹਦ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖੀ ਮੈਨੂੰ ਊਂਟ ਤੇ 2 ਝੂਠੇ ਦਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਦਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰਤੇ ਆ ਆਪ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕਾਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਜਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਨਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਹਾਰਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਥਾ ਵੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਨਏ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਮੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਗਤੇ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਲਗਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਫਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰਦਾ ਸੁਣਾ, ਫੜੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਣਾ ਹੁਣ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਸਾ ਦਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਕੋ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿੱਥਾਂ ਵਾਂ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਮਾਗ ਸਾਰ ਚਾਚਾ। ਕੈਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਟੋਰੀ ਘੜਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਮੇਂ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏ ਤੋ ਵਾਕਈ ਉਸਕਾ ਦਿਲ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਕਿ ਆਇਆ, ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੇ ਸਕ ਵਕਤ ਦੇ ਤੇ ਸਦਰ ਦਾ ਰੁਲ ਦੇ ਵਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਾ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਰਬੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡੇਡੇ ਥਰੂ ਡਿਗਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਕੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾ? ਮੈਂ ਸਹਰਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਚ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਰੇਤ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲ ਮਰੀ ਏ। मैं आपको बताऊं हसीना, इन्होंने मुझको बड़े चक्कर दिए हैं। दुख सानू ये पग वाला जे शुरते ने सानू फड़िया है, वो बेचारे दे अपने इहो जे हालात ने, अद्धा किलो खजूरां किस्तां ते लईआं। जी, तो आप महा फ्रॉडी है, ये बताइए कि ये जो आपका स्क्रिप्ट होता है भीख मांगने का, उसकी स्टोरी लाइन क्या होती है? भाई रमजान च दस्तरखान लगदे ने पूरे दुबई च। अच्छा, और मैं किसी भी अच्छे दस्तरखान ते जाना। अच्छा, उत्थे जाके बहना वा, रोज़ा अफ्तार हुंदा है, और अफ्तार तो बाद मैं रोना शुरू कर दिंदा ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਔਰ ਮਖੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂ, ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਡਾਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਆਏ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।
इंदी यह परफॉर्मेंस वेख के मैं भी जेब च दो तीन रियाल इंदे मूह ते मारे। तीन दिन गिरफ्तार करके इन्होंने सानू अपने विले ते रखे अपने घर च। और मैं जो भी रोया ना इन्हें पूछे मैंने आखी हो मैं दादा याद आ रहे ये अंदर गए तो अपनी विग ला के मेरे आगे सामने बह गए। नहीं तो आप इनको अरेस्ट करके अपने विला पे ले गए। हाँ जी यदि रस्म है तीन दिन मुजरम ने अपने घर रखता है। एक दिन मैं जारो कतार रो रहा था फिर अंदरों आए ने आके इन्होंने पूछे हाँ जा मुजरम ना की गल है मैं कहा मैनू मेरी बीवी याद आ रही है फिर अंदर चले गए ने अंदरों योजा सूट पा के आए ने अद्धा घंटा मेरे ना बह के इन्होंने कट कट के मैंने सेब खुआए ने हल्का हल्का एंड मेरे मोडे ते भी डिगे ने और बड़े अलर्ट अफसर ने। एक दिन मैं सवेरे 6 बजे वेखिया कि उठ के ऊंटा फिर रहे ने ऊंट कभी इधर जबान मार रहे कभी इधर जबान मार रहे मैं खैर कहते मैं 6 बजे ना को नरम कराना होना यह जो अरबी ऊंट लैके मोटरवे ते भी चढ़ जाता होंगे पुलिस वाले कह रहे होंगे बावलपुर उतर जाना है। आप इतना पैसा इकट्ठा करके लाते हैं क्या करते हैं उसका पाकिस्तान इनू दसो इन्हें तेरे को खोने जी। नहीं पाकिस्तान में तो जो एंजॉय करते हैं करते हैं दुबई में क्या एंजॉय करते हैं इतने जो पैसे मिलते हैं। असि जी जिस दिन थक जाइए ना फिर बुर्ज खलीफा ते साडी दावत होंदी जी जिहड़ा 13वां फ्लोर है ना जी उत्थे जाके असि अपनी पार्टी खाने। अच्छा वैसे जब आप इतने प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं तो इस बार पकड़े कैसे गए। बस उपाय दी वजह नाल भी होंदा ना कि मुजरम अपना किधर ना किधर निशान छड़ दे यानी कोई लूप होल छोड़ दिया इस बार आपने अपना। इन्होंने छड़िया भाए ने क्योंकि इन्हें आदत है कि भीख लैन तो बाद अद्धा घंटा फिर हाथ नूं इंजन करदे ने। ओहो एक बंदे ने धर्म दित्ते ने चंगे भले ने जेब च पा के फिर कड़े ने फिर वो आदत ने मरवाया जेब चो कड़ के फिर इत रखे ने इंज रगड़े ने इन्हें आगे तो रंगे दरम फड़ ले तो साड़ी बदकिस्मती के असी हाथ के चढ़ गए। ये पहला अरबी है जिहड़ा मैनू कह रहा सी यार उसे पक्की ठट्टी को गिरवी मकान मिल जाए। Let's take a short break everyone. See you in a bit. Welcome back to मस्तियां और इस वक्त मुल्क की सारी ATM मशीनें सारफीन के थर्ड डिग्री टॉर्चर के खौफ से नोट उगल रही हैं बल्कि बहुत सारी ATM मशीनों को तो खलियां भी पड़ चुकी होंगी। ईद के दिनों में ATM मशीनों का जहां पर लिंक डाउन होता है वहां पर सारफीन जो बुरा भला कह रहे होते हैं वो भी बेचारी ATM मशीनों को ही सुनना पड़ता है। जहां पूरा मुल्क छुट्टी पर होता है वहां पर ATM मशीनें चाको चौबंद खड़ी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हैं। वैसे तो ईद के दिनों में सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव ही मिलते हैं लेकिन ATM मशीनों का कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ATM मशीन और उनसे पूछते हैं कि उनकी चांद रात कैसी गुजर रही है। वेलकम टू मस्तियां भाई साहब। है भी ATM मशीन नहीं पाइना है ATM मशीन मेरा तो बेड़ा गर्क होया है। आप यहाँ डेरे डाल के क्यों बैठे हैं? उतो जी ATM मशीन पुट के तोड़े बंदे लाए थे मेरी विच इन्वेस्टमेंट की मैं कार्ड पाया पाइन तो कार्ड नहीं निकल रहा कार्ड अंदर चला गया है। तो कितने पैसे थे आपके कार्ड मेरी में? जमा पूंजी भी ना दी सारी बेचेगी मैं तो गलती कर बैठा अपना अकाउंट खुला के चंगा भला सजी वाला बंदा सी इधरों कमांदा सी इधरों ला देंदा सी बच्चियां ते अच्छा जदों दे सारे पैसे जमा कराए ना बेड़े गर्क हो गए ने। कितनी दौलत पड़ी आपके ATM में? 11,500 रुपया जी। क्या 11,500 बड़ी अमाउंट होंदी मालशिए वास्ते? बड़ी गल है 11,500 वाकई ओदे लई बड़ी अमाउंट है। 2200 बंदे नूं मालिश करे फिर जाके 11,500 इकट्ठा हुंदा है। मैं की 18 रुपये मालिश ते लैणी सवेरे ईद है की मैं बच्चा लगा इधर कार्ड में इतने मैं पाया यार तू तेरे वेख ना तू कारीगर आदमी है तेरे को तेल है ना मशीन के सिर च तेल पा के तेरा सिर झस हो सकता है कोई ऐसे करके सुकून जाके तेरा कार्ड बाहर कट दे। शीशी कितने खाली की है ए की जदों का मेरा कार्ड बाहर नहीं आ रहा मैं पिनियां जसिया ने इन्नी मैं मालिश की लगता मशीन थकी हुई है अख लग गई है। अच्छा तुम सारे माशाला साहब सेहत लोग हो तुम ATM तो जाते ही हो गए मैंने मशवरा दो जो कार्ड में फंस जाए तो यह तरीकेकार की है? इसका तरीका यह है कि आपके पास बैंक की कोई हेल्पलाइन होगी आप उन्हें फोन करें वो आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे और फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। जाहिर बात है ईद की छुट्टियां हैं चांद रात है तो छुट्टियों के बाद आप जाएंगे फिर आपको कार्ड मिलेगा। मेरा कार्ड ना निकलिया तो मैं फिर मेल बंदियां दी ना मालिश करूंगा ये मैं पैसे देने इधर से तो कुछ नहीं मिलने वाला पाइन तोड़े मैं सिर तेल पावांगा। नहीं मैं ठीक हां। ओ वीर मेरे यार तू सिर नहीं वेख्या ते काफी तेल पै जाना मैं पूरे इंज इत्थे तुहानू गोडियां तुहाडा सिर लैके ना ऐ करके जिसले डुब के मर जा तू ते मेरे तू भी गया गुजरिया तेन हजा नहीं आती किसी वालों कर दिया तेन शर्म नहीं आती किसी वालों कर दिया तेन जरा हजा नहीं आती तू किसी के पफ से प्राउड फील कर दे।
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਗੰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਹ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਫ ਦੀ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਫੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਨਕੀ ਵਿਗ ਆਪਕੇ 11,000 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਔਰ ਬਾਜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਜਲ ਵੇਖ ਕੀ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਿਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਉਨ ਪੇ ਇੱਕ ਔਰ ਕੇਸ ਪੜ ਜਾ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਚੁਰਾ ਕੇ ਭਾਗ ਗਏ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਭਾਜੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਵੇ ਏਟੀਐਮ ਅੰਕਲ ਅਰੇ ਏਟੀਐਮ ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਊਟ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਬਟਨਸ ਕੋ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਹੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਵਰਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕੈਨਸਲ ਕਬ ਸੇ ਤੂੰ ਪੀਛੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਏਟੀਐਮ ਮੇ ਹਾਂ ਏਟੀਐਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਆਏ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ IMF ਕੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹਾ ਲਾਤੇ ਕਾਰਡ ਯੇ ਗੁਸਾ ਦਿਆ ਲਾਟੇ ਕਾਰਡ ਯੇ ਗੁਸਾ ਦਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਮੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਠੰਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਬਟਨ ਦਬਾਤੇ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਭਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ 10,000 ਮਿੰਟ ਦੇ 1,000 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਓਏ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਰਹਾ ਮੁਝੇ ਮੁਝੇ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਬਕੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਏ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੋ 10,000 ਕੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ ਕਾਰਡ ਇਸਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁਆ ਏਟੀਐਮ ਕੇ ਬਜਾਏ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਡਾਲ ਦਿਆ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾਏ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਫਰਾਡ ਹੋਤੇ ਓਏ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਰਾਡ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਤਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੌਮ ਪੀਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਰਾਡ ਕੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾਸ ਲਗਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਾਰਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਨਤੀਸੀ ਪੱਟੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਡ ਕਾ ਡਾਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਕੀਪੈਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਔਰ ਕੀਪੈਡ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਾ ਕਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇ ਕਾਰਡ ਪਾਕਟ ਮੇ ਸਕੈਨਰ ਡਾਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ 11,000 ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂ 3,000 ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਹੋ ਹੀ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋ ਕੁਝ ਹੁਆ ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਫੀਨ ਕਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਆਪਸੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿ ਨਏ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਏ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਔਰ ਡਾਊਨ ਹੋਗੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਗਿਰੇਗੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 11,000 ਨਹੀਂ ਦੇ अच्छा मेरी बात सुने कभी ये आए हो तो कैसा महसूस होता है इनका मना है आना ये जब आता है हम लॉक लगा लेते खुद ही ये जब शख्स आता है मैं सो जाती हूँ क्यों कि टेंशन में आके सर खुजाता रहता है कि यार पैसे क्यों नहीं निकल रहे इतने में इसकी विग निकल जाती
और गर्मियों में हुए इस जात का चरसी आता है वहां पे रोहिंद जी, तौबा तौबा तौबा, आके सो जाते हैं जैसे उनके बाप ने एसी लगवाया। भाई मैं कहना के एडी फिकी एटीएम में देखी ये बच्चिया मेरे तो पैसे दे अपनी आठवा बाज कर ले, पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, तूने तेल क्यों डाला एटीएम के अंदर? मैंने मजबूर ना कर एटीएम। ओए मैं भी यहीं पे खड़ी हुई हूँ सुबह पहले कि मैं वैसी हो जावां। जा तेरा कार्ड, जा तेरा पैसा, देखती हूँ तू निकालता है कैसा। और मशीन बस भाई बस बस भाई जो बस नहीं करा। क्या हुआ? चेहरा उठ गया, मैं अपने बच्चियां तो के कोई चीज नहीं। ओए की करने लगे? छोड़ दे तू मेनू। मैं लगता पैसे गिन रहे हैं अंदर माल शिया। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। चांद रात मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस, आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।